देखो बेटे, पीरियोडिक टेबल में बेसिकली चार प्रॉपर्टी हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यू शुड नो हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल द स्टफ, ठीक है। देयर आर एस पी डी एफ ब्लॉक्स, ठीक है। एस ब्लॉक में टू ग्रुप्स आ जाते हैं आपके, बेसिकली आपको इनकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए, ठीक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी NS122, NS122, ठीक है। NS122 इसमें क्या आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। मेटल एक डी ब्लॉक में जो फीलिंग है, सर फीलिंग समझो, आपको फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज याद रहनी चाहिए। ये एलिमेंट, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक। इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं ये फोर्थ में ना जाके ये डी में जाए, ये थर्ड में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये बोलते हैं हम N-1D1-10 और NS-1-2। ओके, N-1D1-10 NS-1-2, क्योंकि इसकी जो फीलिंग है वो एक शेल पहले की फीलिंग है। ओके, अब जब ये सीरीज चलती जाती है, यहाँ पे लैंथेनम के बाद जो नेक्स्ट आता है, जैसे कि हाफनियम आता है, वो सीधा आगे डीए पे चला जाता है, मगर उससे पहले यहाँ पे एफ में फिलिंग होनी शुरू हो जाती है और नीचे आ जाते हैं दो सीरीज, ठीक है। जैसे कि सीरियम से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, इस सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये सिक्स पीरियड से आई है, सिक्स पीरियड से आई है ना, तो सिक्स पीरियड वाले सिक्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ये सिक्स में नहीं जाता, ये -2F1214 मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किस में जाता है, 4F में। अगर सिक्स की बात करो तो 4F4, और अगर हम सेवन की बात करें तो ये 5F में जाए, ठीक है। 5D में हो भी सकता है अगर N-1 है, तो जैसे कि अगर ये N-2 है, इसका मतलब 4 में गया अगर सिक्स की बात करो तो, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ तो ये 5D में गया, ठीक है। 4F5B, अब डी ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। NS में भी जो मेन है उसमें 1-2-2 जो मर्जी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी 0 भी हो जाता है, इसकी फीलिंग ये हो जाती है। फिर पी ब्लॉक में ये हम करेंगे क्लास 12th में, इसकी याद हो जाएगी तब आप। अब आ जाओ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में फीलिंग होती है बेटे NP126 मींस एक भी हो सकता है और छह भी हो सकता है, ऐसे 126।
है, जैसे बोरोन क्या है, NS2 वैलेंस शेल, यहाँ पे लिखोगे NS2 NP1, तो मतलब 2s2 2p1 3s2 3p1, ठीक है, ये इसकी हो जाएगी। देन अगेन ये NS2 NP2 मींस NS2 क्या हो गया, 2s2 2p2 3s2 3p2 4s2 4p2 5s2 5p2 as a so on, ठीक। देन इसको क्या बोलोगे, अब 2s2 2p3, ठीक है, 3s2 3p3, फिर 4s2 4p3 ऐसे सो ऑन। देन ऑक्सीजन ट्रेनिंग, देन फ्लोरीन, देन ओके, जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है तो आपने ये लिखना होता है, जब पर्टिकुलर ग्रुप की पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग ये लिखना होता है, तब भी NS लिखोगे, पर पर्टिकुलर एलिमेंट से इसकी पूछो तो यू विल राइट 3s2 3p1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब, उसके बाद आपकी नेमिंग अबव 100 एलिमेंट्स की आती है, जैसे कि अन नील अन यम है ना, वन के लिए अन, जीरो के लिए नील, फिर ऐसे ऐसे नेमिंग आनी शुरू हो जाती है। अब एक लेक्चर में सब कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसी नेमिंग कर लेते हो। उसके बाद आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताई जाती है कि डिफरेंट ब्लॉक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि एस ब्लॉक में सारे क्या जाते हैं, टिपिकली मेटल्स आ जाते हैं, ये कौन कौन से मेटल आ जाते हैं, ये अल्कली मेटल्स हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये अल्कली क्यों है, क्योंकि इनकी अल्कलाइन नेचर होती है, इनकी अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों है, क्योंकि इनकी भी अल्कलाइन नेचर होती है, अर्थ क्रस्ट में सॉल्ट पाए जाते हैं, और ये टिपिकली मेटल्स हैं, ज्यादा हार्ड मेटल्स नहीं है क्योंकि इनमें इतने इलेक्ट्रॉन अभी आए नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो मेटैलिक करेक्टर है या हार्डनेस है वो बढ़ती जाती है। अब जैसे डी ब्लॉक में आ जाओ तो टिपिकली हार्ड मेटल्स आने शुरू हो जाते हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, है ये भी मेटल, है ये भी मेटल, इनके अभी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन इतने नहीं है, खुद ही ऐसे आने, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हार्डनेस भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। एफ ब्लॉक में भी मेटल्स ही होते हैं टिपिकली, मगर इनमें रेडियो एक्टिव ज्यादा होते हैं और मैन मेड भी है कुछ भी इनमें, ठीक है, यू विल डू इन हायर स्टैंडर्ड तब हम करेंगे। देन पी ब्लॉक आ जाओ, इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सब है, जैसे कि सिलिकॉन या आर्सेनिक हो गए, ये सारे बोरोन हो गए, दे आर मेटलॉइड्स काइंड ऑफ, नॉन मेटल्स के साथ मेटलॉइड्स भी हैं जो दोनों की करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। अब हम देख रहे हैं, खुद सियाने हैं कि मेटल से इस तरफ जा रहे हैं तो बीच में नॉन मेटल आ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि अलोंग द पीरियड मेटैलिक रिएक्टर डिक्रीजेस, ठीक है, हमें पता है कि वहाँ ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, टिपिकल फ्लोरीन नॉन मेटल है, तो इसका मतलब मेटैलिक रिएक्टर अलोंग द पीरियड आते आते डिक्रीज करता है। मेटैलिक रिएक्टर का मतलब क्या है, किसी के पास कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उतना वो ज्यादा अच्छा मेटल है। तो अब इनके पास तो सबसे ज्यादा है, तभी तो ये कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अब ये इतने मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को इंक्लूड करते हैं तो इनमें मेटैलिक इलेक्ट्रो इतना कम है। डाउन द ग्रुप आ जाओ, मेटैलिक इलेक्ट्रो इंक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते आते साइज इतना बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन जितने इजिली देंगे उतना ज्यादा वो अच्छे मेटल की तरह एक्ट करेगा, ठीक। और मेटल टिपिकली बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं,
और बेसिक रिएक्टर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, क्योंकि आपको पता है कि नीचे जाते वक्त अगर Na है तो Na अपनी इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देगा, पर उससे ज्यादा भी पोटेशियम लूज करेगा। अगर Na के साथ मैंने OH लगाया हो और इसके साथ भी OH लगाया हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों OH OH निकलेंगे, मगर इसमें से OH जल्दी निकल जाएगा एज कम्पेयर टू इससे, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। वो इलेक्ट्रॉन OH तभी निकलेगा जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं तो OH कहाँ से निकल जाएगा। ओके, अब जो इधर इधर आपको पता है कि जनरली एसिडिक, कभी ऑक्सीजन तो हमने फेस सुना ही नहीं है ना, वाटर की हाइड्राइड है जिनके दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, सल्फर का एसिड है, क्लोरीन का भी एसिड है, कार्बन का भी एसिड है, नाइट्रोजन का भी एसिड है, ये सब एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, खत्म। और क्या बताओ, अच्छा इनकी ऑक्सीजन स्टेट प्लस वन होती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनकी पॉजिटिव टू ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो डी ब्लॉक वाले इनकी एक से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक नहीं होती। जैसे सिंपल एग्जांपल आप क्लास प्लस वन में करते हो कॉपर की, इसमें पॉजिटिव वन पॉजिटिव टू है, आयरन है पॉजिटिव टू पॉजिटिव थ्री, वैसे आपके अब मैग्नीज है, आप जब आप रिडॉक्स पढ़ते हो तो प्लस सेवन से प्लस टू ले जाते हो, जब आप क्रोमियम करते हो तो आपको पता है कि हम डाइक्रोमेट ज्यादा यूज करते हैं जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट प्लस सिक्स होती है और प्लस थ्री बनाते हैं, तो दे हैव वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज दे हैव वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज व्हाई दे कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू। तो अगर आपको कभी भी आप एरो में कोई कैटलिस्ट देखोगे तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। और क्या बोल रहे, प्रॉपर्टीज आ जाती है फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करो, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस सेल, तो लॉन्ग द पीरियड हमें पता है, सबसे पहले मुझे एटॉमिक रेडियस आपको बताना चाहिए, एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, लॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या रह जाती है सेम। नंबर ऑफ शेल्स क्या रहती है बेटे, सेम। तो अगर नंबर ऑफ शेल सेम है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज तो वैसे ही इंक्रीज कर रहा है, मगर नंबर ऑफ शेल सेम है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में जा रहा है मगर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज साथ के साथ हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, साइज डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप आ जाओ, नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, हम न्यूक्लियर चार्ज टर्म ना यूज करते, हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टर्म यूज करते। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटे, न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग। डाउन द ग्रुप आओ, 1, 3, 8, 11, 19 ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो शेल बढ़ती जा रही है, शेल के साथ नंबर ऑफ प्रोटोन भी तो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज में कोई कमी नहीं आ रही। अगर इसके पास 3 प्रोटोन थे तो इसके पास 11 है, अगर इसके 11 है तो इसके पास 19 है, तो नंबर ऑफ प्रोटोन तो बढ़ते जा रहे हैं, हम न्यूक्लियर चार्ज कभी नहीं बोल सकते। न्यूक्लियर चार्ज चाहे आप ऐसे जाते हो चाहे आप ऐसे जाते हो इंक्रीज ही करता है, मगर जब आप ऐसे जाते हो तो शेल उतनी ही रहती है, मगर इस केस में शेल क्या है बढ़ जाती है, जब शेल बढ़ती है तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल,
पे जा रही है, ये रिपल्शन के कारण क्या हो जाता है, ये जितना चार्ज लगना चाहिए उतना नहीं लग पाता। तो जो चार्ज लगता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटे, जो न्यूक्लियर चार्ज है जो है माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, तो उतना लग नहीं पाता, कम लगेगा, तो साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब साइज बढ़ जाएगा, अगली प्रॉपर्टी आती है आयोनाइजेशन इनथैल्पी। व्हाट इज आयोनाइजेशन इनथैल्पी, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड मेटल। और नीचे जाते वक्त साइज बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, तो हमें एनर्जी कम ही रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, तो हमें एनर्जी इतनी लगानी नहीं पड़ती, डाउन द ग्रुप एनर्जी कम लगानी पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली आप निकाल पाते हो। ठीक है, अलोंग द पीरियड आ जाओ, साइज छोटा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, अब हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो आयोनाइजेशन इनथैल्पी अलोंग द पीरियड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो मगर हमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं बेटे, एक्सेप्शन से। एक्सेप्शन ये कहता है कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है फुली फिल्ड से। अगर लॉन्ग द पीरियड आओ, नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है। कल पीरियोडिक टेबल पढ़ के आई हो, कल क्वेश्चंस कर सको। वो लॉन्ग द पीरियड क्या होता है, नाइट्रोजन 2s2 2p3, और ऑक्सीजन क्या है 2s2 2p4। तो इसके हिसाब से ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज होती है, मगर नाइट्रोजन क्या होती है बेटे, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए इजी नहीं है एज कम्पेयर टू फुली फील्ड। सेम केस आता है बेरिलियम एंड बोरोन का, बेरिलियम के पास बोरोन है, बेरिलियम तो फुली फील्ड है 1s2 2s2, मगर बोरोन के 2s2 2p1, ये तो फुली फील्ड है, ऑर्बिटल फुली फील्ड है इसका। बोरोन में पी में अभी क्या है, तो बेरिलियम का ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू बोरोन। समझ आ रही है, मैंने फटाफट से ही बोलना है, क्योंकि क्वेश्चंस करोगे तभी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी, ये एनर्जी क्या थी रिक्वायर्ड थी, वो एनर्जी क्या है, रिलीज है। ठीक है, इसमें हम एटम में से उसका इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, तो जब आप किसी चीज से कुछ इलेक्ट्रॉन खींचते हो तो वो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, मगर जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो वैसे ही अगर एटम को इलेक्ट्रॉन उसका खिलाओगे तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। कोई कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है वो डिपेंड करता है उसके साइज पे, वो डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट पे। अगर उसके पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप जबरदस्ती खिलाओगे तो वॉमिट आउट ही करेगा वो। ठीक है, अब ये वाले तो टिपिकली मेटल्स हैं, पहले ही इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हैं अपने, अब आप जबरदस्ती इनको खिलाओगे ये कहाँ से खा लेंगे, ये खा ही नहीं सकते, मेटल्स इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकते। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन इन थैल्पी हम कहते हैं बढ़ती है, देखो ध्यान से सोचो क्यों बढ़ती है, क्योंकि अलोंग द पीरियड आते आते उनमें शॉर्टेज ऑफ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होने शुरू हो जाते हैं, तो हमें खिलाना ईजी हो जाएगा। हाँ, तो हैलोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो इसी खाएगा। ऑक्सीजन फैमिली को 2 की है, देन नाइट्रोजन फैमिली को 3 की है मेडिसिन। ठीक है, तो लॉग द पीरियड आते आते
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। तो एप्रोप्रिएट रीजन हम यही देते हैं कि लॉन्ग द पीरियड आते आते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, अटोमिक रेडियस डिक्रीज करता जाता है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को जल्दी से पकड़ते जाते हैं, ठीक है। मगर एक्सेप्शन कहाँ जाती है, जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन में, फ्लोरीन और क्लोरीन में, ऑक्सीजन और सल्फर में, डाउन द ग्रुप ये एंथैल्पी डिक्रीज करेंगे। अब डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन तो उससे संभाले नहीं जा रहे और कहाँ से खा लेगी, साइज इंक्रीज कर रहा है तो अपने शेल्स बढ़ गई है तो अपने इलेक्ट्रॉन तो संभाले नहीं जा रहे और कहाँ से ले लेगा। अब यहाँ एक शेल की आते आते सात शेल होगी, इलेक्ट्रॉन पहले ही बड़े दूर पड़े वो निकालने को तैयार है, दैट इज वाई रेडियम टेंशन रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, दो भी हमारे से नहीं संभाले जा रहे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप कहाँ से खिला दो इनको, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खिला पाओगे। मगर फ्यू एक्सेप्शन आ जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन की कम होती है एज कम्पेयर टू सल्फर, सेम क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ऐसा क्यों, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ संभाल रही है वो नहीं संभाल रही, साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पकड़ ही नहीं पा रहा न्यू जो एंटर हो रहा है। कहते जी जब अलोंग द पीरियड आते जाते हो ऑक्सीजन और फ्लोरीन इतने को ज्यादा छोटे हो जाते हैं इनिशियली कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को पहले रिपेल करते हैं, जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन है वो नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। जैसे कि अगर एक क्लास है इसमें आने तो चाहिए आठ बच्चे, बैठे छह हैं या सात हैं, तो नो डाउट उसको फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, चाहिए। मगर क्लास इतनी कंजस्टेड हो चुकी है जो पहले वाले है ना वो रिपेल कर रहे हैं, मगर प्रिंसिपल का ऑर्डर है जब तक ये आठ नहीं हो गए ये तब तक स्टेबल नहीं होगी, तो फाइनली इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो मर्जी करते रहो लेना तो पड़ना ही है, ये स्टेबिलिटी ही नहीं जाएगी। तो फ्लोरीन का साइज इतना छोटा सा हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इनिशियली नहीं करती, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन के क्लोरीन से कम होती है, सेम एज ऑक्सीजन और सल्फर का केस, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि व्हाई नोबल गैस हैज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटे वो इलेक्ट्रॉन गेन अफिनिटी है, एक टर्म यूज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन अफिनिटी, एक यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन अफिनिटी हम जीरो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है। क्यों, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब है कि किसी में इलेक्ट्रॉन से कितना प्यार है, तो नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन से जीरो भी प्यार है, तो जीरो है, जब वो फुली फिल्ड में है तो उनको क्यों प्यार है, कोई प्यार नहीं है, नफरत है, जीरो है, इसलिए हम कहते हैं कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक होती है एंथैल्पी, होती है एनर्जी चेंजेस, ठीक है, डेल्टा एच रिलीज होती है जनरली जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एटम, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक, तो जनरली नेगेटिव में होती है, मगर नोबल गैसेस की ये जो एनर्जी है वो पॉजिटिव में होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि नोबल गैस को अगर आपने इलेक्ट्रॉन खिलाना है ना आपने अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, खा लेगी खाली इलेक्ट्रॉन, मगर एनर्जी लगानी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हाँ फिर तभी हम बोलते हैं पॉजिटिव। नेक्स्ट इज बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो दो एनर्जीज की बात करी है जो मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको समझाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझाई, ये दोनों आइसोलेटेड एटम की बात थी, जब एटम अकेले पड़े होते हैं उनके आसपास कुछ नहीं होता, दूर दरार आइसोलेटेड गैशियस एटम की बात है, तब हमने एनर्जी स्टडीज करी। अब आ जाओ एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो हम पहले भी बात कर चुके हैं बहुत बारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
बजा रही हूँ, जैसे ये है, ये शियरिंग में जो पेयर है ना उसको टच करने की जो टेंडेंसी है वो है बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलोंग द पेयर इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अलोंग द पेयर इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि वही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और साइज छोटा होता जाता है तो नहीं इलेक्ट्रॉन को। ओके चलो, और कुछ रह गया? और बड़ा कुछ है बेटे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, पता है क्या जिनकी इलेक्ट्रॉन सेम है, जैसे कि अगर मैं सोडियम Na पॉजिटिव बोलूं, Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, एक जा चुके हैं। Mg2 पॉजिटिव बोलूं, इसमें से दो जा चुके हैं, इसमें भी 10 रह गए। ठीक है, Al3 पॉजिटिव, इसमें भी 10 है। ठीक है, O2 नेगेटिव, इसमें भी 10 है, तो दो ले लिए, 8 पहले थे। Fluorine 1 नेगेटिव, इसमें भी 10 है। Neon, इसमें भी 10 है। नेगेटिव लिखो, इसमें भी 10। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे के बनी हो उसका साइज छोटा होगा ऑब्वियसली। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं शेल कम हो जाएगी, अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेके बनी है साइज इंक्रीज हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए उनका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। अगर अरेंज द ऑर्डर आए तो सबसे पहले आपने के टाइम्स अगर सबसे कम तो साइज होगा वो वाले 9 का होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा जिसके पास, जैसे N3 नेगेटिव सबसे बड़ा साइज होगा, इसमें O2 नेगेटिव आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर न्यूट्रल स्पीशीज आएगी नियॉन, फिर फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज सोडियम है, देन Mg2 पॉजिटिव है, देन Al3 पॉजिटिव है। ठीक है, ये बेसिकली अरेंज द ऑर्डर ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो अरेंज द ऑर्डर ही मैं याद रखू, जितने जितने इलेक्ट्रॉन जिसने खाए होंगे उतना साइज बढ़ गया होगा, मोटा हो गया ना लास्ट में, साइज बहुत छोटा बड़ा है उसका, रोटी ज्यादा खाई हुई है ना, जिसने रोटी निकाल दी वॉमिटिंग ज्यादा करी हुई है, छोटा साइज छोटा होता जाता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं उतने ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता जाता है। अब पढ़ के आओगे अपनी तरफ से, क्वेश्चन करते हैं लास्ट, आई थिंक 1 मिनट। एनी डाउट या समृद्धि? मैम ये अरेंज द ऑर्डर दोबारा बता दो कि कैसे करना है। जिसने जितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑब्वियसली उसकी शेल इतनी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब 8 प्रोटॉन थे, सॉरी अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा था, अब 8 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन पकड़ने हैं तो साइज बढ़ेगा। फ्लोरीन के 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे थे, अब 9 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है तो साइज कम होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। मतलब आप खुद सोचो, जितने ज्यादा आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रह रहा है, न्यूक्लियर चार्ज में तो कोई बढ़ोतरी नहीं है उसके, न्यूक्लियर चार्ज जो पहले था वो वैसे ही था, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खिलाए होंगे आपने। हाँ जी बेटे बोलो थोड़ा सा। कुछ नहीं, अब सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम को देख लो बेटे, एल्युमिनियम के पास 13 प्रोटोन है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, शेल डिक्रीज हो गई, जितनी छोटी शेल उतना ज्यादा साइज क्या होगा, छोटा। एल्युमिनियम सबसे छोटा हो गया, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, बैलीज आउट, विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम।